बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पर एक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नया व्लॉग, और जो कि उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं इस वक्त मैग्नीफाई साइंस सेंटर कराची में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और ये जो है वो लास्ट मंथ जो है वो शूट हुआ था इस व्लॉग का, और इस व्लॉग को शूट किया गया था लास्ट मंथ, और ये किया था मेरी हिना बाजी ने। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया जाए। और एक्चुअली हिना बाजी मेरी गई थी अपने हाफ ईयरली चेकअप के लिए। मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि उन्हें जाना होता है आफ्टर एवरी सिक्स मंथ के लिए चेकअप के लिए कराची जाना होता है। तो वो यहाँ पर गई थी, विज़िट किया था उन्होंने शहरोज़ के साथ यहाँ पर मैग्नीफाई सेंटर में। तो ये बहुत मज़े की अमेजिंग चीज़ें यहाँ पर थी और बहुत ही अमेजिंग किस्म की वाकई में साइंस फैक्ट थे जो कि मुझे बहुत अपीलिंग और बहुत मज़े के और अच्छे लगे। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो और शेयर की जाए। तो आइए हम जो है वो विज़िट करते हैं मैग्नीफाई साइंस को। यहाँ पर सेंटर में जो है वो अमेजिंग साइंटिफिक फिनोमेनास को, जो कि कुदरती फिनोमेनास हैं, उन्हें जो है बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत हैरानगी होती है इंसान को जानकर, और ये तमाम साइंस अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। तो इसे शूट किया था हिना बाजी ने, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं उन्हीं की नज़र से। एंटी ग्रेविटी रूम है, इसके अंदर जाके बहुत अजीब सी हालत हो जाती है। कुछ हो रहा है वाकई में, माय गॉड, चक्कर आ रहे हैं ना, अजीब सा कुछ हो रहा है वाकई, दिल खराब होना शुरू हो जाए, हो रहा है ना शुरू, कुछ हो रहा है ना अजीब सा, आप बैलेंस नहीं कर सक रहे हैं, स्पेस वाली फीलिंग ले आप लोग। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट वो एक्सपीरियंस है। शेरोज़, ओह माय गॉड, मैं तो सिर्फ इधर खड़ी हूँ एंट्रेंस पे, तो मुझे कुछ हो रहा है, आप लोग तो वहां पर हो। गिर नहीं जाना क्या से? पूरी हालत ये जबरदस्त, मजा भी आ रहा है बहुत। उफ, यहाँ तक पहुँचना ही जो है ना कितना मुश्किल काम है। मरी सर, वहाँ तक स्ट्रेट चल सकती हो? कहाँ तक चल सकती हो? ओह माय गॉड, नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस तरफ को भागो। नहीं। मरी का बॉडी वेट कम है ना? ओह मरी का ख्याल से, आराम से, आराम से। यार मैं तो बस। ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, मजे का। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, शेरोज कोशिश कर रहा है चलने की लेकिन नहीं हो पा रहा इससे, बहुत चक्कर आ रही है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हम खड़ी हो गए हैं, और बात छोड़ दो बाकी वहां से क्या चले। उफ वाओ, रियली जैसे स्पेस में होती हैं। कैसा एक्सपीरियंस था शेरोज़ एंटी ग्रेविटी रूम का? नाइस, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था ना।
हाँ जी, तो कैसा लगा आप लोगों को एंटी ग्रेविटी रूम? मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, मुझे देखकर इतना मज़ा आ रहा था, दिल चाह रहा था वहाँ पहुँच जाऊँ और तो प्रैक्टिकली यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस करके कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों के साथ ये व्लॉग जो है मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा जो प्रैक्टिकल डिपिक्शन की गई है ना साइंटिफिक लॉज की, फिज़िकल लॉज की, फिज़िक्स के लॉज की और बायोलॉजिकल लॉज की जो है जो प्रैक्टिकल डिपिक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन, उम्दा और देखने के काबिल है। अभी मैं एंटर हो रही हूँ मिरर रूम में, तो ये देखूँ ऐसा मिरर रूम। वाओ सो नाइस, आजे 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 आप लोग भी आजे, आजे बंद होगा तो बहुत मजा आएगा। ओ नाइस, ये तो डिस्को पार्टी, ये तो पार्टी सीन्स है वाकई में। आजे हमने आपके पे फ्रोजन शेडो जो हम अभी आए हैं, अच्छा ये जो मैं एक्शन करूंगी ये भी वही करेगा स्केलेटन। क्या कर रहे भाई, मैं तो टांगे ऐसे नहीं हिला रही। हाँ ये अब मैं जो एक्शन कर रही हूँ ये वो कर रहे हैं, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ओ अच्छा स्केलेटन साथ साथ मूव कर रहा है। आपकी साइकिल चलाने से स्केलेटन की साइकिल चल रही। हाँ तो जी, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ थी कि जो आप एक्शन करेंगे आपका स्केलेटन जो है वो स्क्रीन पे स्केलेटन भी वही एक्शन करेगा। तो यहाँ पर हिना बच्ची ने तो इतने मूव्स नहीं किए, अगर मैं होती तो प्रॉपर इसको ब्रेक डांस, कथक, हर किस्म का डांस और ताता थैया जो है वो करा कर ही छोड़ती। खैर जोक सपाट, लेकिन क्या है कि यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कराची विज़िट करूँगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इस जगह को तो ज़रूरी जाके विज़िट करूँ। वैसे भी ना मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है इस किस्म की जगहें और इन्फॉर्मेटिव किस्म की जगहें जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है विद फन भी होता है इंसान का एट द सेम टाइम और लर्निंग भी हो जाती है। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है ना कि सभी अय्याला रब्बिकुमा तो कज़िबान की मेरी किन किन नेमतों को जुटलाओगे, तो बेशक वाकई में हम जुटला ही नहीं सकते। और हम डेली रूटीन में हमारा उठना बैठना चलना फिरना जो है वो मतलब हर चीज़ में जो है वो साइंस है, फिज़िक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉज हैं, बायोलॉजी के लॉज हैं और ये तमाम इल्म जो है वो मेरे अल्लाह का इल्म है जो उसने अपने बंदों में बांट दिया है। और इसी में हम जी रहे होते हैं और इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं, लेकिन हम उसका उस तरह से शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का जिस तरह से हमें अदा करना चाहिए। तो वैसे भी इन चीज़ों को देखकर इंसान को ना सिर्फ हैरानगी तो होती है एक तरफ, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर प्यार भी आता है जिसने हर चीज़ जो है इतने प्रॉपर लॉ से और इतने प्रॉपर तरीके से जो है वो बनाई हुई है। उन्होंने शेरोज ने खींचा है, आपका तो हुआ है ऑलरेडी इसी तरह। सोलर कार ओके, ये बिन स्ट्रेंथ अभी हम चेक करेंगे। शेरो स्टार्ट करें इसको, Thank you.
ये तो लग रहा है हॉस्पिटल में आके। हर तरह की एक्सरसाइज यहाँ पर लगे हुए हैं। ट्रेडिशनल पाकिस्तान के रिक्शे, हाँ जी। तो अब यहाँ पर हिना बाजी जो है वो जो है ट्रक चलाने का काम करने लगी हैं और अब अपना ट्रक का बिज़नेस शुरू करेंगी। मजाक कर रही हूँ लेकिन ये कि वैसे वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है तो बस एक ही काम रह गया था ट्रक चलाना, जो मेरे ख्याल से वो शायद ये भी शौक पूरा कर लें अपना। और यहाँ पर नजर आ रही है ऐसे यार आई गेस कि हर घर में ना ऐसी ओरिजिनल जैसे कहते हैं ना चेस, ड्राफ्ट या फिर लूडो सांसें होनी चाहिए, सांप सीढ़ी, जिसमें इंसान गोटियों को चलाने और मोहरों को चलाने के बाद जाए और ख़ुद जिसे कहते हैं ना माउंट कर कर के सीढ़ियाँ जो है वो खेले। तो सांप सीढ़ी खेलने में इस तरह से आई गेस ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी हम बाहर की साइड से आ गए हैं, आउटर व्यू है इसका, मैगी कुछ टाइम का। ये देखिए सब चलो ये फिर क्या है। क्या क्या कुछ बनाया हुआ इन्होंने, ये ऊपर चढ़ के, ओह माय गॉड, जैसे पूरे बंदे को तो ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए। ओके अब ये इस पे से चलना है, चलें अल्लाह मालिक है। रस्सी से तो यहाँ लटक कर उधर नहीं सकती मैं, ठीक है। ये हम वहाँ वापस आ गए जहाँ से हम गए थे, है ना, वही जगह वापस आ गई। पीपल की तरफ प्यारे प्यारे कितनी प्यारा कलर है इनका। प्लांट्स की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, फ्रेश फ्रेश।
आप लोग जाएं, आई विल नॉट गो, मैं इधर बैठूंगी इस स्विंग पे। ओके, ये स्विंग लेते हुए कैमरा जो हिल रहा है वही वजह से है क्योंकि मैं स्विंग पे बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली ये आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे बच्चों के लिए ये टायर वाली स्विंग्स भी लगाई हैं, ठीक है। ये शेरोज और मारिया वहाँ पर थे ऊपर, ये देखें कितना ब्यूटीफुल है ये। ब्रेथ टेकिंग व्यू, क्या था ऊपर? मेज में एंटर होने लगे हैं हम तो आराम से। ऐसी चीज़ से देखकर इंसान को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि इंसान का ब्रेन अल्लाह मियाँ ने कितनी अमेजिंग चीज़ बनाई है, जिसके कई हज़ारों करोड़ों जैसे कह देना मतलब उसमें मैसेजेस जो हैं वो पास करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वॉलंट्री और इनवॉलंट्री एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जीन्स कैसे सेल्स में जो होती है, आपका DNA होता है, DNA में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और पुरानी से पुरानी जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र आने वाली जनरेशन्स में होती रहती है। और इस तरह से हमारे प्रॉपर सेंसेस का काम करना, जैसे कि हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टच एंड सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी अमेजिंग है, जो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से बनाई है। इंसान का आर्टरीज का सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और वेन्स का, ये सारा सिस्टम जो है, हार्ट का सिस्टम प्रॉपरली, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड खुद अपने आप में एक चीज़ तो वाकई में अमेजिंग। और यहाँ पर जाके तो इंसान फिर भी ऐसी किसी जगह पर जाए तो एक सोच लम्हे भर के लिए दे देता है, लेकिन डेली रूटीन में ये तमाम प्रोसेसेस हमारी डेली रूटीन में और हर एक सेकंड, हर एक मिनट, एक नैनो सेकंड जिसे कहते हैं ना, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी इन पर तवज्जो नहीं देते और हम जस्ट अल्लाह ताला की कुदरत को ना हम जस्ट फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि बस उसने बना दिया और हम बन गए, हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लॉजिक है। और वाकई में अमेजिंग इंसान जो है वो अल्लाह ताला की अमेजिंग तरीन जिसे कहते हैं ना क्रिएशन है। चलें, गुड, हो गया, सैंपल कर लिया आप लोगों ने। और ये जो है मिरर
कलाइडोस्कोप के फिनोमेना पे बना हुआ है, और हम बचपन में बहुत खेला है कलाइडोस्कोप से, बड़ा मज़ा आता था। डिफरेंट किस्म की बीड्स उसमें डली होती थी और डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनते थे, तो ये बड़ा मज़े का मुझे लगा। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव सा और बहुत ही अच्छा सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा व्लॉग, तो आप लोगों को भी सबको बहुत पसंद आएगा ये व्लॉग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत अमेजिंग किस्म का लगा। तो और अगर पसंद आया होगा तो थम्स अप दीजिएगा वीडियो को, थम्स अप दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें ताकि आप जो है वो आप तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए, तमाम जो भी मैं जब भी अपलोड करती हूं तो वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलूंगी किसी दूसरे व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मेरे चैनल को इसी तरह से देखती रहिएगा, पसंद करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।